आज दिनांक 3 जनवरी 2024 राजस्थान महिला अधिकारी एवं कर्मचारी एकीकृत महासंघ द्वारा माता सावित्रीबाई फुले जयंती पर दीप प्रज्वलन कर जेके लोन अस्पताल जयपुर में जरूरतमंद मरीजों को कंबल वितरण का आयोजन किया गया। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा, उप अधीक्षक डॉक्टर हरिराम मीणा, डॉक्टर गुरुदत्त विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कुसुम देवपुरा, नर्सिंग अधीक्षक नरेश सैनी आदि ने माता सावित्रीबाई फुले को पुष्पांजलि अर्पित की। इसी उपलक्ष्य में राजमिक्स की मधुलता जी ने माता सावित्रीबाई फुले पर कविता प्रस्तुत कर समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। राज्य में किसकी संगठन सचिव नीलम नवारिया, महासचिव स्वामी प्रभा, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पूनम, रेखा बुंदेला, रामजी संगीता, साइस्ता रेखा सैनी, मितेश झांझरिया, कविता व अन्य पदाधिकारियों ने 100 कम्बल का वितरण किया। माता सावित्री बाई फुले जयंती है, उसके सुअवसर पर राजस्थान महिला अधिकारी कर्मचारी महासंघ की तरफ से उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमने यहाँ जेके लॉन में पुष्पांजलि उपरांत जरूरतमंदों को कंबल बांटने का आयोजन रखा गया है। और डिसीजन लिया कि हम शिक्षा पे हम काम करते हैं, हमारा महासंघ काम करता है, तो शिक्षा के हिसाब अलावा भी हम महिला शिक्षा पर भी हम जोर देते हैं। जो दबी कुचली महिलाएं उनके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं, तो उसी के तहत हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम गरीब जो बच्चे आते हैं अस्पताल में, जो इमरजेंसी के अंदर जो केस एडमिट होते हैं, उन बच्चों को कंबल वितरण का हम प्रोग्राम रखें, ताकि जो अभी जो कड़ाके की ठंड चल रही है उनमें कुछ तो हमारी ओर से रिलीफ मिले उनको। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था जो हमने माता सावित्रीबाई फुले को हम ट्रिब्यूट किया है हम लोगों ने। मैं भी सरकार से ये उम्मीद करूँगी एक एक्टिव सदस्य होने के नाते कि देश के अंदर जो शिक्षक दिवस जो है वो माता सावित्रीबाई फुले के नाम से डिक्लेयर किया जाए, उससे ताकि पूरे देश और प्रदेश की महिलाओं को इसका एक सम्मान मिलेगा। माता सावित्रीबाई के जो अविस्मरणीय और जो कभी भी नहीं भूलने वाले कार्य हैं उनको एक सम्मान मिलेगा। पुनः मैं सभी का आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। हम और भी जाना चाहेंगे सर, आप सावित्रीबाई को पूरा समाज वंदन करता है। स्त्री शिक्षा की प्रेरणा आज हम जो खड़े हैं ये इन्हीं की देन है। स्त्री समाज की प्रेरणा, प्रथम स्त्री शिक्षिका, ये प्रथम स्त्री शिक्षिका है, इनको इसका मान मिलता है, इनको वंदन और सत्तर बार प्रणाम। अगर पार न की होती दहरी, अगर पार न की होती दहरी, स्त्री के जीवन में रहती हमेशा दोपहरी। कई जिसने गालियां, शाप और थपेड़े झेले, गोबर और मिट्टी के ढेले, न डगमगाई न घबराई, न डगमगाई न घबराई, अकेले ही लड़ ली लड़ाई। और कोटि कोटि धन्यवाद ज्योतिराव फुले को, इनके हस्बैंड को कोटि कोटि धन्यवाद ज्योतिराव फुले को, तभी तो पाया हमने सावित्री बाई फुले को। एक बीमारी ने छीना सावित्री बाई को, पर ये दिन हमें हमेशा दिलाएगा याद सावित्री बाई को। तो हम एक बार हम ये भी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं राजमिस्त्री से कि आज वाले दिन को 3 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस घोषित किया जाए।